सब जानते हैं कि अमिताभ और जया की जब बहू बनने वाली थी करिश्मा कपूर, जब अभिषेक बच्चन और करिश्मा का अफेयर शादी में बदलने वाला था, जब कपूर परिवार के साथ रिश्तेदारी में करिश्मा कपूर को बहू बनाकर बदलने के लिए इस रिश्ते को तैयार थे अमिताभ और जया, तब जया बच्चन ने ही करिश्मा को अपनी होने वाली बहू कह दिया था। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन सेलिब्रेशन के मौके पर अनाउंसमेंट किया गया था करिश्मा और अभिषेक के रिश्ते की, तब करिश्मा और जया को साथ काफी खुश देखा गया था। लेकिन क्या आपको मालूम है दोस्तों, जिस करिश्मा कपूर के साथ अभिषेक बच्चन का इंगेजमेंट होने के बाद 3 महीने में रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया था, उस करिश्मा कपूर और जया बच्चन के बीच अच्छे रिश्ते नहीं है ये तो कहा गया, लेकिन इसके बावजूद जया बच्चन के लिए करिश्मा के दिल में सम्मान कम नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सच है ये कि जया बच्चन के लिए करिश्मा के दिल में ये सम्मान कभी कम नहीं हुआ। हाल ही में करिश्मा कपूर ने जया बच्चन के लिए एक पोस्ट लिखा। दरअसल अपने कजन निखिल नंदा के बर्थडे सेलिब्रेशन के मौके पर करिश्मा कपूर जया बच्चन से मिली और एक ही फ्रेम में इन्होंने फोटोज क्लिक कराई और फोटो के साथ जो कैप्शन उन्होंने दिया है, करिश्मा कपूर ने जया बच्चन के इंस्टाग्राम पर ना होने के बावजूद जया बच्चन के नाम को मेंशन करते हुए करिश्मा कपूर ने जया आंटी कह दिया। मालूम चलता है इससे कि करिश्मा जया बच्चन को आंटी कहती हैं। जया बच्चन के साथ ऐसा है करिश्मा का व्यवहार, जया बच्चन की बहू बनते बनते रह गई करिश्मा कपूर, क्योंकि साल 2016 में अपने एक्स पति संजय कपूर से तलाक के बाद अकेली ही अपने बच्चों को संभाल रही हैं। वो करिश्मा कपूर भले ही बच्चन परिवार के पार्टी फंक्शन में नजर ना आती हो, वो करिश्मा कपूर भले ही अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी के बाद उन सब के बीच नजर ना आती हो, लेकिन बच्चन परिवार के साथ कोई भी गिले शिकवे नहीं है करिश्मा कपूर और उनके परिवार को। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।